तो यहाँ पे मैंने चने दाल को फुला चुका है 3 से 4 घंटे के लिए। देख सकते हैं आप अच्छे से फूल गया है। इसको मैं कुकर में डाल लेती हूँ। तो कुकर में मैंने डाल लिया है, इस पर मैं डालूँगी अभी और थोड़ा पानी। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक। बाद में भी हम नमक का यूज़ करेंगे। और मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। लिड से कवर कर दें। मैंने लिड से कवर कर दिया है, इंडक्शन को ऑन कर लेते हैं। हाई फ्लेम पे मैंने रखा है, 3 से 4 सीटियाँ देंगे। इंडक्शन पे मैंने कढ़ाई को चढ़ा रखा है और मैंने इंडक्शन को ऑन कर लिया है। इसमें मैं डालूँगी ऑयल मस्टर्ड का 2 टेबल स्पून। ऑयल को गर्म होने देंगे। तड़का तैयार कर रहे हैं। तेल गरम हो गया, इसमें मैं डालूंगी चॉप किया हुआ गार्लिक, फाइन चॉप किया हुआ जिंजर एंड फाइन चॉप किया हुआ अनियन। सबसे पहले मैं इसे लाइट ब्राउन होने दूंगी, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें मैं डालूंगी चॉप किया हुआ ग्रीन चिली। मैंने एक ही लिया है, आप अगर तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अच्छे से फ्राई होने देंगे। देख सकते हैं आप, प्याज पूरा अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी मसाले, हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्च, नमक मैं लास्ट में डालूंगी ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ इसमें चॉप किया हुआ टमाटो, मैंने 1/2 लिया है। अच्छे से फ्राई होने देंगे। नमक मैं अभी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने दाल में भी नमक डाल रखा था। पे डालेंगे आप थोड़ा सा पानी ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए सारा। पानी करके रेडी है यहाँ पे। अब इसमें मैं डाल दूंगी चना दाल जो मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया था। इसे हम कर लेंगे मिक्स अच्छे से। अब 10 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे इसी में। अब इसमें मैं ऐड करूंगी चॉप किया हुआ धनिया पत्ता, आप कसूरी मेथी या मिंट भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर दूंगी। दाल तड़का बन करके मेरा तैयार है। अभी से इंडक्शन को ऑफ कर लेते हैं और सर्विंग बाउल पे मैं निकाल लेती हूँ। तो दाल तड़का मेरा रेडी है। आप इसे चपाती के साथ भी खा सकते हैं या पराठे के साथ भी खा सकते हैं या पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं। मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।